अच्छा नहीं लगता है ना हम बीबी और ई रखेल। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। हम मतलब अब खाली ऐसे ठीक है, जाओ सो जाओ। हम भले ही लाली से प्रेम करते हैं लेकिन हम शादीशुदा हैं। ऐसे में अगर हम उसको छुएंगे तो हम भी वही करेंगे जो हमारा पाखंडी परिवार उसके साथ करना चाहता है, उसको रखेल बनाकर रखना, जो हम नहीं चाहते। ही रणविजय एक जिंदगी का अलग से दुश्मन बना हुआ है, इसलिए पहले हमको रणविजय के बारे में सोचना होगा और ओकरे लिए हमको तैयारी करना होगा। लग रहा है रणविजय ठाकुर ऐसे ही कह दिए होंगे कि यहाँ आ जाना और हम भी बुद्धू की तरह चले आए। कोई भी नहीं है, इसे गलती हो गई है लग रहा है। रणविजय ठाकुर, हम सोचे कि आप हमको यहाँ बुला के नहीं आएंगे, पर
आप आ गए। जल्दी बोलो, क्या काम है? ओ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ये सब सुनने के लिए हम अपना रात बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ। जल्दी करो, काम की बात का है। छोटे ठाकुर, आपकी नाराजगी हमको बहुत ही तकलीफ देती है। समझे में नहीं आता है हमको कि हम क्या करें। दिन भर बस आपे का ख्याल रहता है हमको। आज तक हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इतना आपकी नाराजगी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। पगली है कारे, हम्म, पगली कहीं की। क्या जरूरत था, हम्म, क्या जरूरत था वो सब बकवास करने का? जानती है ना, गरम खोपड़ियां हम ससुरा गुस्साए गए थे। और हम भी कौन बहुत ज्यादा खुश नहीं थे तुमसे दूर। अब क्या बताएं तुमको, कितना कितना तकलीफ हुआ तुम्हारे बिना। कौआ, हम तो पानी पीने के लिए उठे थे। सो जाओ तुम, सो जाओ।
हम भी कौन बहुत ज्यादा खुश नहीं थे तुमसे दूर, अब क्या बताएं तुमको, कितना तकलीफ हुआ तुम्हारे बिना। छोटे ठाकुर, अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमको माफी दे दीजिए। हम कोनो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको दुख हो, सच्ची। ये हुई ना, खुले दिल से बात। चलो अंदर चलते हैं, गरम रहेगा। यहाँ ससुरा तुम्हारे ही नाजुक शरीर को ठंड लग जाएगा। चल आजा आजा आजा। अरे अब शर्मा काहे ले रही है हमसे, हाँ? अरे यहाँ ठंडा लगेगा तुमको, आजा अंदर गर्मियों में। चल हमारे साथ। हाँ भैया। जुगाड़। अरे बाप। रणविजय बाबू, आग सेकने जा रहे थे का भीतरिया? चुप हो जा ससुरे, यहीं गार देंगे। खत्म ससुरे। फायदा, हम जितना जल्दी जागे तुम तो पहले से ही जागी होती हो। लाली क्या हुआ, तुम ठीक तो? कहा है छोटे ठाकुर, आखिर चल कर रहा है, हमको बताया आप हमसे कुछ छुपा रहे। अरे कुछ नहीं है छोटे ठाकुर, सच्ची सच्ची बताइए ये सब क्या है। कुछ पूछ रहे हैं आप? पता है ना, रणविजय हमारी जमीन हथियाना चाहता है, ओकरे लिए कई चालें भी चल चुका है, तो हमने सोचा कि एक ठो पिस्तौल होनी चाहिए अपने पास दिखाने के लिए, ताकि अगर वो का आदमी कुछ करना चाहे तो देख के डरे। बस यही लिए रखे हैं। सच कर रहे हैं आप? तो तुमको क्या लगा? अगर ये सच है तो हम कपार पर हाथ रखकर कहिए सब ठीक है। हमने कसम खाकर कहिए कि आप हमसे कुछ नहीं छुपा रहे। हमने कसम खाकर कही कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं। कसम से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। कछु दुख घटी होई काही कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास में अकेले थे,
तब उनको कौनो भी दुख नहीं प्रतीत होता था, क्योंकि उनके पास सीता मैया थी और उनका सच्चा अटूट प्रेम था। परंतु इन सब के बीच वो दोनों जने आवे वाले संकट से अनजान थे। तो मनु सदा राहत तो ही पाई, जानु प्रीत रसु एतन उमाही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुदि नहीं तेही। राक्षसों का राजा रावण अपना जाल बिछा रहा था। रामचंद्र जी को ये पता ही नहीं था कि खतरा कहाँ है। सीता माता की सुरक्षा को लेके चिंतित थे श्री रामचंद्र जी, और फिर उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई। ए लाली, आज यहीं रहोगी कोठरिया में? काहे? कुछ काम था। काम था तो कोठरिया में रहने से काम आसान हो जाएगा। खेत के काम से जाना है जरा, कुछ सामान लाना है। अब हर जगह तुमको लटकन की तरह साथे साथे टांगे टांगे चलने का क्या मतलब? हम भी चलते तो क्या? अब हर बात में बहस करना जरूरी है क्या? छोटी ठाकुर, अब ध्यान रहे, आज यहाँ से बाहर निकलने की कोनो जरूरत है, यही रहो, समझी? छोटे ठाकुर, हमरी बात को सुनिए। देखो, बस हमरी बात सुनो, हर वक्त ही दरवाजा बंद करके रखना। क्या बात है छोटे ठाकुर? कुछ बात नहीं है, बस हम बस एहतियात बरत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम इधर उधर जाए और हमारे मन में चलता रहे कि तुम ठीक हो या नहीं। बाहर मत निकलना, बताए दे रहे, दरवाजा बंद कर लो। आप हमसे कुछ तुम्हारी बात काहे नहीं सुन रही हो? हम खाली सच जाना चाहते हैं, बाद में जो कहेंगे हम सब करेंगे। ठीक है, सही बात यह है कि हम अपने डर की वजह से ही कर रहे हैं। रणविजय कुछ खराब खेला खेल रहा हम लोगों के साथ, तो हम बस ये चाहते हैं कि सावधान रहें बस। ऐसे में तो हम दोनों को साथ ही साथ रहना चाहिए, आप वहाँ अकेले। नहीं लाली, हम साथ रहेंगे तो हमारा ध्यान बटा रहेगा, और अब तुमको बचाए, अपनी जमीन को बचाए, अपने आप को बचाए। कि छोटे ठाकुर, हम यहाँ जिद मत करो लाली, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, हमारी बात मानो, तुमको हमारी सौगंध। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, हमारी बात मानोगी ना, बाहर नहीं जाओगी ना लाली? यहाँ हवेली के अंदर तो रणविजय या कोनो और लाली को छूने का हिम्मत नहीं करेगा। लाली सब जगह से ज्यादा यहाँ हवेली में ही सुरक्षित है।